हाँ तो प्यारे बच्चों सारे प्यार प्यारी सत श्रीकाल। हाँ बेटा आप R14 टेस्ट के 48 नंबर सवाल के उत्ते आ गए। रेखावां ते कोण वाला टॉपिक चलता पे अपना, तो ध्यान ना देखो कहिंदा हेठां दित्ते कथनां विचों किहड़ा सही नहीं है, मतलब किहड़ा गलत आ वो दसना आपां। ठीक है बेटा, पहला कहिंदा एक रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं हुंदी, है ना। तो ये बेटा एक रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं हुंदी, ये तो सही है, असी दसना किहड़ा सही नहीं। ठीक है, निश्चित लंबाई नहीं हुंदी, अनंत हुंदी है। अगे कहिंदा एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं हुंदा, ये भी सही है पुत, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं हुंदा। ठीक है, खब्बे सज्जे अनंत दूरी तक चलती है। अगे आ गया बेटा, कागज़ ते रेखा खिंची नहीं खिंची जा सकती, पर इसनों चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता, ये भी सही है पुत, कागज़ ते रेखा नहीं खिंची जा सकती, रेखा का एक हिस्सा खिंच के उन्होंने चित्र द्वारा असी दर्शा दें। ठीक है, अगे आ गया D1 कहिंदा एक रेखा नूं सिर्फ एक दिशा विच वधाया जा सकदा, ये गलत है पुत, एक दिशा वाल नहीं, रेखा नूं दोवें दिशावां वाल अनंत दूरी तक वधाया जा सकदा, एक दिशा वाल नहीं। D1 है जिहड़ा ये ठीक नहीं हैगा। ठीक है बेटा, अगे आ गया बेटा सवाल नंबर 49 कहिंदा घड़ी दियां सूइयां विचकार कोण दा पता लगाओ जदों समां शाम 6 बजे दा हुंदा है। तो जदों बेटा शाम के 6 बजते हैं तो घड़ी दियां सूइयां दे विच बेटा किहड़ा कोण बनता होगा, वो असी सूइयां दे हिसाब नाल देखना। आह बेटा 12 3 6 9, जदों 6 वजणगे बेटा तो छोटी सूई है जिहड़ी इत्थे आ जू 6 दे उत्ते बिल्कुल, वड्डी सूई बिल्कुल 12 दे उत्ते बिल्कुल। ठीक है, तो यह शाम के 6 बजे का समा दर्शाऊगा। तो वह पुछता पाया घड़ी दियां सूइयां विचकार किन्ने डिग्री का कोण, जो बेटा एक दूजे के बिल्कुल सामने है तो ये भावें इधरों मिल लो भावें इधरों मिल लो 180 डिग्री का कोण आ जिहड़ा वो बनूगा। ठीक है बेटा, तो C1 नूं असी एज ए राइट आंसर टिक कर देवांगे। अगे आ गया बेटा हेठां दित्ते समय विचों किस समय एक घड़ी दियां सूइयां विचकार कोण बिल्कुल सरल कोण है, तो किन्ने बजे बेटा सरल कोण बनता, सरल कोण हुंदा 180 डिग्री का कोण। ठीक है, सवेरे 12 बजे के टाइम के उत्ते बेटा पहला आपां देखिए घड़ी दियां सूइयां दी की पोजिशन होगी, तो सवेरे बेटा जदों आपां 12 बजे देखते हैं तो सवेरे 12 बजे तो आ बेटा 12 3 6 9, सवेरे 12 बजे बेटा घड़ी की छोटी सूई भी इत्थे होगी वड्डी सूई भी इत्थे होगी। ठीक है बेटा, तो इत्थे बेटा कोई 0 डिग्री का कोण बनना कोई भी कोण नहीं बनू क्योंकि बिल्कुल एक दे उत्ते एक होगी। आपां पहला गल कीता सी दो संतापी किरणां 0 डिग्री का कोण बनाउंदियां। ठीक है, अगे बेटा सरल कोण तो नहीं बनता, अगे आ गया दोपहर दे सवेर दे 12 बजे दोपहर दे 12 बजे, ये बेटा इत्थे इकट्ठे ही होनियां सूइयां। ठीक है, तो अगे बेटा आपां गल करदे हां सवेरे 9:15 ते, सवेरे 9:15 दे उत्ते बेटा घड़ी दियां सूइयां दी की पोजीशन होगी, बेटा 12 3 6 ते 9, किन्ने बजे दसना सी सवेरे 9:15 ते, सवेरे 9:15 दे उत्ते बेटा जिहड़ी छोटी सूई हैगी है वो इतों थोड़ी जी 9 तो अगे निकल जूगी क्योंकि 15 मिनट हो गए ना, तो वड्डी सूई है जिहड़ी वह 3 दे उत्ते होगी। ठीक है, पर सरल कोण नहीं बनू, थोड़ा जिहा कोण छोटा रह जाता है। ठीक है बेटा, तो इस करके ये भी सरल कोण नहीं बनता। अगे बेटा D1 कहिंदा पिया कहिंदा सवेरे 6 बजे, तो सवेरे 6 बजे बेटा असी देखते हैं 6 बजे घड़ी दियां सूइयां दी दिशा की होगी, 12 3 6 9, सवेरे 6 बजे बेटा छोटी सूई 6 ते होगी, तो वड्डी सूई एग्जैक्ट 12 दे उत्ते बिल्कुल 12 दे उत्ते होगी। इस करके बेटा ये सूइयां बिल्कुल सीधियां होणगियां ते इत्थे सरल कोण बनूगा। ठीक है बेटा, तो आपां नूं जिहड़ा हैगा D1 राइट आंसर है, इहनूं D1 नूं असीं एज ए राइट आंसर टिक कर देवांगे। ठीक है बेटा, अगे आ गया सवाल नंबर 51 कहिंदा दित्ते चित्र विच एक्स का मुल पता करो, मुल लभो एक्स का बेटा, तो आ चित्र दिता होया, चित्र दे विच बेटा उन्हें आह कुछ कोण दिते हुए है। ठीक है, हूँ बेटा
ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, 360 ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕੋਣ ਦਾ ਜੋੜ। ਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ, 2x ਤੇ 1x, 3x, 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 4 10x, ਤਾਂ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ 10x, ਤੇ ਆਹ 20 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 10x ਜਮ੍ਹਾਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 360। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇਟਾ? ਆਹ ਐਕਸ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲਏ ਤਾਂ 10x ਜਮ੍ਹਾਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 360, ਤਾਂ 10x ਬਰਾਬਰ 360 ਮਾਈਨਸ 20, 10x ਬਰਾਬਰ 340। ਜੀਰੋ ਨਾ ਜੀਰੋ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਬੇਟਾ, 10 ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ x ਬਰਾਬਰ 34 ਡਿਗਰੀ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ, B1 34 ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। B1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 51। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 52। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ।